हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि आप इसका सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आए, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर जो कलर यूज़ किया हूँ ये है फैब्रिक कलर, जो कि आपको बाज़ार में आसानी से 20 या 25 रुपए में मिल जाता है। मेरे यहाँ पर इसका कीमत वही 20 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर मैंने कुछ केमल का भी यूज़ किया हूँ, केमल फैब्रिक, और कुछ ब्रशेस है जो कि मैं इसको कलर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि सारा मूर्ति को पहले आपको वाइट से पेंट कर लेना है अच्छी तरह से, सब जगह को एक ही कलर करना होगा वाइट। वाइट के बाद आप उस पर दूसरा कलर चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका जो वाइट कलर है वो हमने कंप्लीट कर दिया हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको जहाँ जहाँ थोड़ा बाकी है उस जगह पर हम अच्छी तरह से करेंगे। बाल में हम नहीं करेंगे क्योंकि बाल तो काला ही होगा, इसीलिए हम उसमें वाइट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चीज़ को वाइट कर दिया हूँ। अब फ्रेंड्स, साड़ी का जो कलर है वो हमने क्रीम कलर यूज़ किया हूँ, वाइट के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिलाकर इस कलर को मैंने तैयार किया हूँ। तो साड़ी को अच्छी तरह से कलर कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम शेडिंग का काम करेंगे। जब तक आप शेडिंग का काम नहीं कीजिएगा, आपको साड़ी का जो लुक होता है वो नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक कलर कर लेते हैं। तो इसी तरह कलर किए हैं, अब साड़ी में हम शेडिंग डालेंगे। शेडिंग के लिए हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ किया हूँ। देखिए जिस तरह करके लाइनिंग है उसी के ऊपर हमने ऑरेंज कलर का लाइनिंग खींच रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस कलर को मिक्स कर दूँगा अच्छी तरह से, ताकि साड़ी का जो लेयर होता है वो अच्छी तरह से दिखे। तो अभी नॉर्मल से हम लकीर खींच दिए और इस लाइनिंग को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो मिक्स करने के लिए पहले जो कलर हमने यूज़ किया था साड़ी के लिए, सेम कलर उसी के ऊपर चढ़ाएंगे और अच्छी तरह से कलर को हम मिक्स करेंगे। और जहाँ जहाँ लाइट और डीप वो आपको हमेशा याद रखना है कि किस जगह पर लाइट होना चाहिए, किस जगह पर डीप। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका ब्लाउज को कलर करेंगे, उसके बाद जो साड़ी का जो पार होता है उसको भी हम कलर कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेड का यूज़ किया हूँ, आप चाहे तो ब्लू, पिंक, ग्रीन जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, साड़ी का जो पार है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बिना को कलर करेंगे। तो बिना को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर येलो और ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके बिना को कलर किया हूँ, ताकि जो बिना का जो कलर होगा वो एक लकड़ी का कलर हो। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर जो बाल का जो कलर है उसमें हमने रेड और ब्लैक मिक्स करके बाल को कलर किया हूँ, और उनका जो गहना है उसमें हमने गोल्डन कलर का यूज़ किया हूँ और साथ में बुरादा का भी यूज़ किया हूँ, ताकि वो थोड़ा सा चमके। और इसके बाद मैं आँख का डिटेलिंग करूँगा और लास्ट में आपका फाइनल लुक देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर प्यारा सा मूर्ति होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे इसी तरह के वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।